हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू वैष्णोस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे प्रवक्ता भर्ती के बारे में, जो कि अभी अभी आई है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछला वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में कि जो कौन कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। और एक क्वेश्चन जैसे आया था कि जो एमए है, और इस तरह के डाउट्स आते हैं कि एमए फर्स्ट ईयर हो गया है और फिर उसके बाद मेरा बीएड हुआ और फिर उसके बाद में मेरा एमए फाइनल हुआ, ठीक है, मास्टर्स मैंने फाइनल की, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आप अगर कोई आपके पास एमए है और बीएड है, आप इसको भर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपने एमए कर तो दिया था, मीन्स आपका जो सेशन था वो 2018 का था, लेकिन आपने जब एमए किया वो जो डिग्री आई है वो 20 में आई है, ठीक है, और इसी में आप लोगों का बीएड भी था। तो अब डाउट आ रहा है कि क्या मुझे मीन्स डिस्क्वालिफाई तो नहीं हो जाऊंगा। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। गला ख़राब है इसलिए काफ़ी आराम से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लो वॉइस में, होपफुली कि ऑडियो बिल्कुल ठीक आ रही हो। चलिए देखते हैं इसके बारे में। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि थी वो है आप लोगों के 18 अक्टूबर, आप लोगों को पता ही है, और इसमें जो अंतिम तिथि है आप लोगों के 7 नवंबर है। बहुत जल्दबाजी में भी चाहिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि नहीं कहीं लेट ना हो जाए और 19-20 नाम कर। आपको ये भी नहीं करना है। अभी आप लोगों को क्या करना है, 4-5 दिन आराम से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छी तरीके से रेडी करिए, अपनी सारी चीज़ें जो फॉर्म फिल होना है उसको देखिए, अच्छे से चीज़ों को देखिए और फिर जांच परख के आराम से फॉर्म फिल कीजिए। एक दो वीडियो भी देख लीजिए कि किस तरह से क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या हो रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कीजिए, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में कई बार हम अपनी डिटेल्स गलत भर देते हैं, फिर वो बाद में दिक्कत करती है। और बहुत लेट भी नहीं करना है, इतना आराम से भी नहीं करना है कि फिर आप 7-6 नवंबर को ही आप फॉर्म भर रहे हैं मेरी तरह। मैं अपना अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक जितने फॉर्म भरे हैं वो 2-3 दिन पहले ही भरे हैं। पता नहीं, लाइफ में हमेशा ऐसा ही हुआ है साथ में कि काम बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, कोई भी काम करता हूँ बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन हाँ होते ज़रूर है, मतलब तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगेगी लेकिन लास्ट में वो हो ही जाएगा। मीन्स फॉर्म भरने में कोई ना कोई ऐसी अड़चन आएगी कि लास्ट में हो जाएगा, लेकिन हो गई हैं सारी चीज़ें, है ना। तो किसी किसी के साथ में ये होता भी है, और फिर लॉ प्रोटेक्शन भी काम करता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा होना शुरू हो जाता है। चलिए, तो परीक्षा शुल्क की जो तिथि है वो 7 नवंबर ही है, और जो संशोधन के लिए आएगा वो अब तो ये भी ठीक कर दिया गवर्नमेंट ने कि सभी को पता है कि ये मिस्टेक्स हो जाती है, तो संशोधन और परिवर्तन के लिए भी आता है। लेकिन कुछ लोग इसके बाद भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ 4-5 दिन पूरा इस चीज़ पे बनाइए चीज़ों को, कि मतलब पूरा स्क्रूटनी कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा, हो सकता है तो एक ब्लैंक पेज पे अपने पूरी डिटेल्स को लिखिए और फिर उसको देखकर फॉर्म भरिए, लेकिन उस चीज़ को भी क्रॉस चेक कर लीजिए 2-4 बार, है ना। अब चलिए बाकी चीज़ें देखते हैं आगे। देखिए, ये सारे तो जो रूल्स हैं उनका हमें कुछ लेकिन अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि इसमें जो विषयवार कितने पद हैं वो देख लेते हैं। ये तो हमें पता ही चल चुका है कि 1613 है टोटल, ठीक है। सामान्य शाखा में क्या है, 550 पद हैं, और महिला शाखा में आपके 63। अब कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर्म भरते हुए मिस्टेक हो जाती है, पिछली बार जब मैं अपनी वाइफ का फॉर्म भर रहा था एआरओ के लिए, तो मैंने क्या किया था कि महिला शाखा के बजाय सामान्य शाखा में भर दिया था। अब इससे लॉस क्या होगा कि उसको महिला शाखा का जो आरक्षण था वो नहीं मिल रहा था, रिजर्वेशन होता है वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। होपफुली उसका हो गया, नहीं तो शायद लाइफ टाइम सुनने वाली बात होती, ठीक है। तो चलिए, जो भी है आप लोगों को इस तरह की गलती नहीं करनी है। मीन्स आप महिला हैं तो महिला शाखा में भरिए, उससे क्या होगा कि ये 63 पद
और ये जो आपकी कैटेगरी के पद होंगे वो दोनों प्लस होके आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। प्रवक्ता संवर्ग जो कुल 550 पद हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश के कितने हैं, 22, हिंदी के जो पद हैं वो है 38, संस्कृत के हैं आपके 26, भौतिक शास्त्र के हैं 31, रसायन शास्त्र के हैं 20, गणित के हैं आपके 14, जीव विज्ञान के हैं 30, नागरिक शास्त्र के 52 पद हैं, अर्थशास्त्र के 32, इतिहास के 16, भूगोल के 17, समाजशास्त्र के 6 पद हैं, कला के 2 हैं, वाणिज्य के 2 हैं, कृषि शास्त्र के 2 पद हैं। इसमें आप लोग अपना अपनी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किसमें कितना है, लेकिन जैसा मैं सभी को बोलता हूँ कि ये वाला जरूर याद रखिए कि आपको सिर्फ एक पद की जरूरत होती है और उस एक पद के लिए आपको क्या करना, फाइट करनी है, अपनों खुद को कंपटीशन में बनाना है, ठीक है। चलिए नीचे की डिटेल्स देखते हैं, धीरे धीरे चल। और अब कई बार क्या होता है कि किसी के पास ये वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक क्योंकि मैसेज आया था कि जो दिव्यांगजन है कि मुझे ये वाला सर्टिफिकेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अब सर्टिफिकेट है तो उसे 100% आपको लगाना चाहिए, क्योंकि वो बना ही इसलिए सर्टिफिकेट है कि आपको फायदा देने के लिए, है ना, तो आपको 100% उस चीज का फायदा लेना, जो दे रही है गवर्नमेंट उस चीज का फायदा लेना चाहिए। वो कोई कैटेगरी में है तो वो कैटेगरी यूज करे अपनी। चलिए अब कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो पदनाम होगा वो है आप लोगों का प्रवक्ता संवर्ग विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये आएगा और 613 पद हैं जिसमें और 63 महिला पद है। देखिए वेतनमान जो है वो 47 600 से लेके 151 लेवल तक हो जाता है, लेवल 8 है। जो स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं आपको बात करूं तो 60,000 समथिंग आपको स्टार्टिंग सैलरी अभी मिलेगी जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और बाद में आपके प्रमोशन और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और पद का जो स्वरूप बोले तो यहाँ पर भी कई बार डाउट क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे अस्थायी पद लिखा हुआ, ये भी काफ़ी बार आता है ना। और अंशदायी पेंशन योजना जो है एनपीएस में आएंगे आप लोग, हमारी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं आएंगे, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब स्थायी होता है, ठीक है, मतलब हर उसमें आपको जॉब में अस्थायी लिखा जाएगा, मींस 2 ईयर्स का प्रोविजन पीरियड होता है और फिर उसके बाद आपका स्थायी हो जाता है। अब तो जल्दी हो जाता है, पहले 10 साल में ही अस्थायीकरण होता था, अब थोड़ा सा जल्दी स्थायीकरण हो जाता है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। इसके लिए आप शैक्षिक और अधिमानी अर्हताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम होगा उसमें आप लोगों के पास में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, मीन्स एमए होना चाहिए। लेक्चरर एग्जाम के लिए आपके पास में एमए की डिग्री होनी चाहिए। इसमें अगर आपके पास बीएड वाला है तो बीएड प्लस एमए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास होना चाहिए। बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं के बारे में भी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी काफी बार डाउट आ जाता है कि आयु की न्यूनतम सीमा 21 और अधिकतम क्या है, 42 वर्ष है। आयु की गणना के लिए 1 जुलाई 2000 है, ठीक है, तो 1 जुलाई 2000 से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे और उसके हिसाब से आपकी क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष न्यूनतम, 42 वर्ष से कम होनी चाहिए।
ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 42 वर्ष है तो भर सकते हैं, 21 वर्ष है तो आप भर सकते हैं। ये छोटे छोटे डाउट्स आते हैं तो होनी चाहिए। आप कहने का मतलब ये है कि 1 जुलाई 2003 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए इंसान का जो फॉर्म भर रहा है, और 2 जुलाई 1982 से पूर्व नहीं होना चाहिए। अब आयु में छूट क्या क्या देखते हैं, देखिए सारी चीज़ें डिटेल में देख लेंगे जिससे डाउट क्लियर हो जाए आप लोगों का। 5 वर्ष की छूट क्या है, किस किस के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए, सभी के लिए क्या है 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो भी क्या है, उनके भी लिए भी 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अब कई बार लाइफ में ये भी सारी चीज़ें आती हैं कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो ओबीसी में अब आया है ना पौड़ी का, और हमने जो फाइट किया वो सारी जनरल में फाइट की है हमेशा से, लेकिन अब हमारे यहाँ पर ओबीसी हो चुका है। और चलिए अच्छा है ना, कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का और लोग उस चीज़ का पॉजिटिव फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के दिव्यांगजन के लिए कितना है, 10 वर्ष की छूट उनको मिलेगी। ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रख लेनी है जब आप फॉर्म भर रहे हों, ठीक है। अब देखिए, अगर उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु से में से जो उनकी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी और नियुक्ति का इच्छुक हो तो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो, यह समझा जाएगा कि वह उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है। मींस उसको माइनस कर दिया जाता है जितनी उनकी एज होती है, जैसे कोई आर्मी में से आता है एक्स सर्विसमैन हो। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए उस फॉर्म फिल करने के लिए, जो अनिवार्य रहता है, एलिजिबिलिटी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पास पात्र होगा जिसने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट उससे समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या बाहर वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं भर सकते क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर कोई सैनिक या अर्धसैनिक बलों में इन्होंने क्या किया हो, नियमित पदों पर रहकर वहाँ पर, अब जैसे कोई आर्मी में थे लेकिन वो बाहर थे और बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, स्वयं उसके पति पत्नी जैसी स्थिति हो, राज्यधीन समूह में समूह गांव की भर्ती के पदों में चयन हेतु तो आवेदन के पात्र होंगे, ठीक है, जो बाहर थे। परंतु यह और राज्य के अस्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत है कि स्वयं उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, पुत्र पुत्री समूह गांव की सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी की इस तरह की है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन देकर फॉर्म भर सकता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत सारी चीज़ों को छोड़ के सीधे नीचे आ जाते हैं, समूह गांव की सीधी भर्ती तो वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम, देखिए सेवा योजन कार्यालय में, तो बाहर वालों के लिए तो लगभग ना की स्थिति हो जाती है फॉर्म भरने का, ठीक, क्योंकि सेवा योजन में होता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होता नहीं किसी का बाहर का, क्यों ही करेगा कोई, है ना, 10th का 12th का यहाँ से, तो मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं। और अच्छा है जितना उत्तराखंड के लोग इसमें आएंगे, उत्तराखंड के जो हमारे बाद आने वाले हैं, तो अब इस चीज में आप जो भी कहें, लेकिन मेरा खुद का मानना यह है कि प्रायोरिटी उस क्षेत्र के लोगों की होनी चाहिए। अगर यूपी की जॉब है तो ठीक है, यूपी के लिए होना चाहिए, और उत्तराखंड जैसा जो राज्य है, छोटा सा राज्य है,
कम अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास में, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो छोटी जगह है वहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं, क्योंकि मैं पहाड़ी इलाके से आता हूँ तो मुझे पता है कि कैसी स्थितियों से लोग पढ़ाई पूरी करते हैं। मैं खुद ही ऐसे लेवल से आता हूँ कि बहुत मतलब मुश्किल से अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट की हैं, बड़ी मुश्किल से जॉब के साथ में, दिल्ली में रह के 12 12 14 14 घंटे जॉब करने के बाद, उसके बाद अपनी तैयारी करना, फिर बाहर से बहुत सारी चीज़ें करना, उसके बाद यहाँ पर पहुँचना। तो अगर कंपटीशन ये सारी चीज़ें देखी जाए तो सॉरी तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए अनुसूचित जाति जनजाति ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि ऊपर हम लोगों ने देख लिया है, और जाएंगे देखेंगे एक बार। हाँ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं देखिए, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो प्रमाण पत्र कुछ भी कोई भी आप बनाएंगे, जैसे ओबीसी का होगा, निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 साल का ही होना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि अगर सपोज करो आप लोगों का ये प्रमाण पत्र नहीं बने, तो आपके जो CSC सेंटर्स होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, ये बनवा के रख सकते हैं। आज की डेट में जो अपनी सरकार ऐप है या वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट घर बैठे बना सकते हैं, और आपको आलस नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए मेरी तरह। फिर मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मैं बहुत आलस करता हूँ उन चीज़ों में, हर चीज़ में एक्टिव हूँ, लेकिन इन चीज़ों डॉक्यूमेंटेशन में मैं खुद ही हमेशा पीछे रहा हूँ। तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ से कई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो OBC वगैरह है उसमें भी सीधी भर्ती प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है। नेक्स्ट चलते हैं। जो अनाथ बच्चे हैं इसका आप लोगों को पता होगा, 5% का आरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीयता तो इंडियन है, ज्यादा ऐसा नहीं है, और चरित्र वैवाहिक स्थिति, एक से ज्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और शारीरिक स्वस्थता ये ठीक है, और फिटनेस का एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले बनाना ही पड़ता है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो आवेदन करना है, आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम एक नया वीडियो बनाएंगे, यहाँ से हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, उसमें फॉर्म कैसे फिल करना है, और हो सके तो मैं किसी का फॉर्म फिल करूँगा और साथ ही साथ आपको बताते जाऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से करनी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।